एलएन राव साहब, इन्वेस्टिगेशन पर भी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो जरूर बताइएगा, लेकिन सवाल यह है कि यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी शामिल थे, बीजिंग रिट्रीट में मौजूद थे। क्या यह सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर नहीं देखा जाएगा? लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है धमाके पर इसराइल की, बड़ी प्रतिक्रिया। इसराइली दूतावास के कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित है, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। भारत में धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसराइल अपनी तरफ से ये बयान देते हुए। धमाके पर इसराइल की बड़ी प्रतिक्रिया आई है, धमाके में जो भी शामिल है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इसराइल का जो स्टैंड रहा है, जिस तरह से उसने आतंकवाद का मुकाबला अपने मुल्क में भी किया है, वही खनक उसके इस प्रतिक्रिया में सुनाई दे रही है। और जाहिर तौर पर अभी हिंदुस्तान की तरफ से, सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, आतंकी घटना से बताया जाता है, क्या किया जाता है, इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा। औपचारिक बयान इस पर अभी नहीं आया है। शुरुआत में इसे सिर्फ दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों का काम है, लेकिन जाहिर तौर पर आज के दिन एलएन राव साहब, जब राजपथ पे बीटिंग रिट्रीट हो रही हो और उस परेड के बाद साथ उसी वक्त, ठीक उसी वक्त, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, छोटा धमाका जरूर है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है, आपकी सुरक्षा में चूक साबित करने में वो कामयाब हुए हैं। जी अंजना जी, बिल्कुल, आपके अरविंद ओझा जी ने भी यही कहा है, मैसेज बहुत बड़ा है, धमाका भले ही छोटा है, लेकिन साथ साथ ये बता दूं कि 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये किसी शरारती तत्व का काम है, ये डेफिनेटली एक टेररिस्ट अटैक है, पुलिस को इसको टेररिस्ट अटैक के हिसाब से देखना चाहिए। उसकी 2-3 वजह है, आज का दिन क्यों चुना गया और लोकेशन इजराइल एम्बेसी के पास क्यों चुनी गई, ये अहम बातें हैं। इसराइल एम्बेसी का आज 29वां, वो आपने बताया मित्रता का वो एक वर्षगांठ है वो, और आज का दिन जो रिपब्लिक डे का कंक्लूडिंग डे है, जो आपका बीटिंग द रिट्रीट है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो कहीं ना कहीं जो उग्रवादी है मैसेज देना चाह रहे हैं हमारी सरकार को, हमारी दिल्ली पुलिस को या हमारे एजेंसीज को, कि देखिए आपकी पूरी अलर्टनेस होने के बावजूद भी हम ये काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा और ले रहे हैं। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अभी राजन साहब ने बताया, नवनीत राजन साहब ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होगी, सबसे पहले मौके का मुआयना जिसे कहते हैं स्पॉट इंस्पेक्शन। और वही एक तस्वीर आ रही है राव साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद ओझा जी, क्या दिखा रहे हैं आप वहां पर मौके पर, इस वक्त क्या हो रहा है अरविंद ओझा, जल्दी से बताइए, दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ अधिकारी अभी जांच के बाद बाहर निकले हैं, बहुत मुमकिन है कि कमिश्नर को वो पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, अधिकारी निकले हैं, जबकि अभी भी अधिकारी कुछ अंदर ही हैं, लेकिन कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है कि एक ही आईडी था लो इंटेंसिटी का, जबकि मौके से कोई अब पूरी पड़ताल कर ली गई है, जो क्राइम सीन है, एक बार फिर वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं अंजना, कि अब ये क्लियर हो चुका है कि यहां पर अब कोई दूसरा एक्सप्लोसिव नहीं है। बावजूद इसके जो ये तस्वीर आप देख पा रही है जहां पर का हुआ था, अभी भी वहां पर पड़ताल जो है वो स्पेशल सेल के अधिकारी कर रहे हैं, एक एक करके अधिकारी यहां से बाहर जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जो यहां से कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए होंगे उसकी रिपोर्ट ऊपर तक दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से एलएन राव कह रहे थे और मैंने पहले भी कहा कि ये छोटा धमाका जरूर है लेकिन मैसेज बड़ा है, फिलहाल यहां पर तफ्तीश जो है लगातार अंजना जारी है, अभी भी स्पेशल सेल के अधिकारी यहां मौजूद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इजरायली एम्बेसी है उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, न सिर्फ एक तरफ से, जरा ये तस्वीर देखिए, सीआरपीएफ की ये जवान मौजूद है, पीछे दिल्ली पुलिस की लोहे की बैरिकेटिंग है और दूसरी तरफ भी वो इसी तरीके का हाल है, यानी दोनों तरफ की बैरिकेटिंग, बीच में दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्राइम सीन पर मौजूद है, उसके बीच में है इजरायली एम्बेसी, यानी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कम से कम जो इजराइल है उसका भी इस तरह का कड़ा बयान आया है कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है, तो इसी वजह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई है अंजना।